अन्य भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो आपके वार्ड की जनता आपको ही पार्षद क्यों बनवाया, ऐसी क्या विशेषता है? नमस्कार, मैं हूं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड संख्या 16 बाडू जी प्रथम से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी जगदीश सिंह कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मिश्रा जी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो है मूल निवासी कहाँ के हैं और जो है आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की? जी, दरअसल बात, हम मूल निवासी मतलब जन्म जाति, हम हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी इसी बाड़ूजई पक्के तालाब के निवासी हैं कई पीढ़ियों से, और शिक्षा हमारी जो है वो 8वीं तक हम पढ़े हैं। बाकी कुछ हालात हमारे परिवार के ऐसे रहे कि आगे हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी ये है कि हम बाबा साहब से जुड़े रहे, जितेंद्र प्रसाद जी से जुड़े रहे, और उनका स्नेह और प्यार था छोटे बाबा साहब का, बड़े बाबा साहब का, तो वो हमें सम्मान देते थे, परिवार की तरह हमें मानते थे। वहीं से हमने अपनी राजनीति शुरू करी, तो उसके बाद करते करते 89 में हमने पहला चुनाव लड़ा जी। पहला चुनाव लड़ा तो हमारे वार्ड के लोगों ने हमें बड़ा सहयोग किया, पैसे भी दिए और चुनाव लड़ाया, लेकिन हम चुनाव हार गए, तीसरी पोजिशन हमारी थी। उसके बाद बराबर हम प्रयास करते रहे और जनता हमारी हमें साथ देती रही, क्योंकि हमारे घर घर में हमारा व्यवहार था, क्योंकि हम पुराने बाप दादे से यहीं रहने वाले थे, तो सब जितनी भी नई बस्ती हुई ज़्यादातर हम लोगों की, हमारे रिश्तेदारों की ज़मीनों पे सब जो कॉलोनी वालोनी बनी, तो सबसे घरेलू संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे हमारे। तो जैसे आप निवर्तमान सभासद हैं, तो आपने वार्ड संख्या 16 की जनता के लिए अभी तक क्या किया सभासद रहते? वार्ड की जनता के लिए हमने एक बार, हमारा वार्ड जो था वो काशीराम योजना में आ गया था, तो उसमें हमने पूरा वार्ड खुदवा दिया था, यह करोड़ों रुपये का काम कराया था हमने उसमें। फिर उसके बाद में जितना भी जो हो सकता था हमसे, क्योंकि हमारा बोर्ड में भी बढ़िया तालमेल रहता था, तो जिससे अधिकारी से, चेयरमैन से, जिससे भी जो कह देते थे वो मान लेते थे। उसके बाद से माननीय मंत्री जी खन्ना जी से हमारा संपर्क हुआ, तो उन्होंने भी बड़ा प्यार दिया, और इस बार हमें भाजपा ने अपना सिंबल दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पार्टी को और प्रदेश पार्टी प्रदेश कार्यालय को और जिला मुख्यालय को, कि हम उनके ऋणी रहेंगे, जो उन्होंने हम पे भरोसा जताया है, हम उसका भरोसे पे, उनके भरोसे पे हम पूरा उतरेंगे। अच्छा, ये बताइए आपके जो वार्ड में है उसमें प्रमुख समस्याएं क्या हैं? हमारे वार्ड में कोई भी प्रमुख समस्या नहीं है, बस इस समय वही सीवर लाइन वगैरह पड़ रही है, तो हर जगह का यही हाल है, तो हमारे यहाँ भी कुछ पड़ी है, कुछ नहीं पड़ी है, तो मेन समस्या पानी की है, पानी है, और सीवर लाइन, जब सीवर लाइन पड़ जाएगी तो पानी भी हो जाएगा, बाकी और कोई समस्या नहीं है, बस यही एक तालाब हमारे यहाँ जो पुख्ता तालाब के नाम से है, ये एक समस्या है। हम चाहते हैं सभी लोगों से और प्रशासन से भी कि भाई यहाँ पे एक इसकी साफ़ सफाई हो जाए, तो इसका सौंदर्यीकरण हो जाए, तो ये है चारों तरफ कम से कम 85,000 की आबादी है, तो यहाँ गंदगी बहुत रहती है, बस एक समस्या मेन है हमारे यहाँ, बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई गुंडा एलिमेंट है, ना कोई, सब अच्छे भले पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सज्जन व्यक्ति रहते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारा तो वार्ड ऐसा है कि हमारे वार्ड में बड़े बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति के दामाद, कलेक्टर, कमिश्नर, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, SP, जिला जज, सब हमारे ही वार्ड के। अच्छा, हाँ, तो बड़ा बड़ा मतलब अच्छे सम्रांत व्यक्ति हैं। ये बाड़ूजई मोहल्ला बहुत पुराना मोहल्ला है और बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं इनमें, और बड़े अच्छे बड़े शरीफ लोग हैं सब, तो हमारा सभी से तालमेल, हिंदू मुस्लिम में हमारा सभी से बढ़िया तालमेल रहता है। कुशवाहा जी, अन्य भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो आपके वार्ड की जनता आपको ही पार्षद क्यों बनवाया, ऐसी क्या विशेषता है? हमें पार्षद इसलिए बनवाए कि अब कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं लड़ने के लिए, दूसरे वार्ड से। अब मान लीजिए जनता को छोटे मोटे काम होते हैं, उनका राशन कार्ड बनना है, बच्चे के लिए सर्टिफिकेट बनना है, उससे मोहर लगना है, तो कहाँ आदमी घूमेगा भागेगा, उसे मालूम है कि ये आसानी से मिल जाते हैं, घर पर मिल जाएंगे, दुकान पर मिल जाएंगे, रास्ते में मिल जाएंगे, मोहर जेब में लगी पड़ी रहती है, जहाँ चाहे लगवा लें।
तो ये है, ये विशेषता है आपकी, इसलिए जनता आपको चुने जी। अच्छा, दलाली बट्टा कभी करते नहीं है, कोई एलिगेशन ये लगा नहीं सकता है कि हमने दो पैसे किसी से लिए हों। जितना हमारे बस का होता है उतना कराते हैं। उस समय काशीराम योजना में हमने 140 कार्ड बनवाए थे BPL अंत्योदय, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और वो बेचारे आज भी उसका लाभ ले रहे हैं सब लोग। तो यही वजह है कि छोटे मोटे जो काम होते हैं। अच्छा, अपने पार्टी की किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच जाते हैं? अब पार्टी तो हमारी देखिए सबका साथ सबका विकास, देखिए जैसे कोई भेदभाव नहीं है, जैसे गल्ला बांट रही है तो ना हिंदू देख रही है ना मुसलमान देख रही है, और भी जितनी जैसे आवास हैं तो उसमें ना हिंदू देख रही है ना मुसलमान देख रही है। तो हमारी पार्टी तो सबका साथ सबका विकास है, और योगी जी मोदी जी की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आप जो समझ लिए कि जहाँ 80 करोड़ को हम फ्री राशन हमारी पार्टी दे रही है, वहाँ पाकिस्तान में भुखमरी मची हुई है, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। आप हमारे चैनल द गली मोहल्ला के माध्यम से अपने बाढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बाढ़ की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि भाई इस बार नया निगम बना है माननीय मंत्री जी के कर कमालों द्वारा, तो उसमें पार्षद का पहला चुनाव हो रहा है मेयर का, तो हम चाहते हैं कि मेयर और पार्षद हमारी पार्टी के सभी जीतें। तो हम अपनी जनता से यही विनती करते हैं कि ये एक इतिहास लिखा जाएगा कि पहली बार मेयर बना और पार्षद बना शाहजहांपुर में, तो 60-ों की 60 सीटें जो हैं हमारी पार्षद की जीतें और मेयर की जीतें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वार्ड संख्या 16 बाडू जी प्रथम से जगदीश सिंह कुशवाहा जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू और जनता की राय जानने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।